और शानदार सेशन, और मैं और तुम, क्या बात है ना। तो आपको अगर बेहतरीन मैथ पढ़नी है तो मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना, जिसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। 5 PM मेरी क्लास होती है और कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। आपको मेरे फाउंडेशन बैच के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी मेरे फाउंडेशन बैच से कर सकते हैं। SSC एग्जाम में आपको वो बैच मिलेगा। कैट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है। 12 और 24 महीने का आपको कोर्स लेना है और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। जैसे आप साहिल 10 लगाओगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड, अप्लाई द क्रेडिट पॉइंट, जो गया अगर हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साहिल 10 कोड लगाकर आप अन्य किसी भी कैटेगरी में कोर्स ले सकते हो, आपको वहां भी डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। तो यही फायदा है, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसी मंथ कोर्स ले लें, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ गया भाई, अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया फील हो रहा है। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं? बताओ। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है सर? 2/3 πr³, यही होता है। और यहां पर r बराबर कितना है? 6। तो यहां पर r बराबर कितना है? 6 है सर। तो बड़ी आकृति यही है ना। और कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? छोटी छोटी, जिनका आयतन कितना होगा? 4/3 πr, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या की। तो गोलियां तो पूरी बनेंगी, पिघलाया आपका जा रहा है अर्धगोला, तो कॉमन सेंस वाली बात है सर। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना निकल कर आएगा? 216/2 108। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? छोटी छोटी, 108 गोलियां बनाई जा सकती हैं। शानदार क्वेश्चन होता है। इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं वॉल्यूम कन्वर्जेशन। किसी भी आकृति से कोई भी आकृति बनानी हो, दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दो। अब यहां पर बराबर करने के लिए छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं, तो आपने नंबर ऑफ गोलियां निकाल दी बस, कि बड़े वाले से एन गोलियां बनेंगी, तो एन बराबर 108 आ गया। सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा, फोड़ कर आइएगा। अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करना चाहता हूं, चलिएगा। आराम से करिए ना, कोशिश करा करो कि गलत एक भी ना हो, एक भी गलत ना हो। सर, 12,600 लोगों के एक शहर में 30% कोडिंग के अच्छे जानकार हैं। कुल जनसंख्या का 1/4 अभी भी बुनियादी कोडिंग पाठ्यक्रम में है। कले की खराश। हाँ चलिए, तो 12,000, अब आया लाउड पना। हाँ, 12,600 लोगों के शहर में 30% कोडिंग के अच्छे जानकार हैं। कुल जनसंख्या का 1/4 अभी भी, मतलब क्या कर रहा है वो? फाउंडेशन कोडिंग सीख रहा है। तो कैलकुलेट द नॉन कोडर्स प्रेजेंट इन द सिटी, ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो कोडिंग नहीं सीख रहे हैं और नहीं जानते हैं ना सीखेंगे। तो भैया देखो, 30% ये हो गया, 25% आपका ये हो गया, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि 55% ऐसे हैं जो कोडिंग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन 45% ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी चीज होती है वो 100% के गोल से निकल कर आती है। अब 30 और 25 को अगर हटा दिया जाए तो 45% ऐसे होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है। तो 45% किसका? 12,600 का। कैलकुलेट कर लेंगे तो बस 12,600 को आप लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूं 6,300। आधा क्यों कर दिया?
क्योंकि इसको मैं दुगना करना चाहता हूं, तो सॉल्व करना आसान हो गया ना। तो 9 * 27 5670 यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, इकाई का अंक कितना आ रहा है 7 आ रहा है, बस हो गया। नेक्स्ट, चलिए नीचे दी गई आकृति में एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर लंब सीओ डाला गया है, यानी कि सीओ आपका एबी पर लंब डाला गया है, बीसीओ आपको 65 दे रखा है, बीएडी आपको दे रखा है 25, आपको एडीसी निकालना है, यानी कि आपको कौन सा एंगल निकालना है, एडीसी आपको ये एंगल निकालना है। निकालते हैं भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट बताऊंगा, बस आप लोग फोकस बनाए रखिएगा। सर कैसे करेंगे, तो आप देखिए ट्राइंगल बीओसी में ये आपका 65 है, ये आपका 90 है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बताते जाओ बस, चीजें सीखनी है ना। तो ये 65 है, ये आपका 90 है, तो 155 और ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री हो जाएगा। अरे 25 ही तो होगा, इस ट्राइंगल बीओसी की बात कर रहा हूं केवल और केवल, तो ये 25 हो गया। अब आपसे मैं कह सकता हूं क्या कि इस वाले ट्राइंगल में आपका ए बी सी भी 25 है और आपका ओ बी सी भी 25 है, देख लो, देखो। तो आपके सामने साफ साफ निकल कर आ गया, सर ये वाला कोण 25 है, ये वाला कोण 25 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 50। क्या बात है सर, डायरेक्ट बता सकते हो ना, कारण बताओ। कारण क्या है कि मैंने डायरेक्टली कह दिया कि ये 50 होगा। अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने सिखाया हुआ है कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो इस तरह के आंतरिक कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर हो, ठीक है, क्लियर हो गया, ये हुई ना बात। नेक्स्ट करो, जो भी अलग अलग मेथड लगाने चाहते हो लगाओ ना, दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, आंसर यही आएगा। लेकिन बहुत बढ़िया, आइए मेरे दोस्तों मैं समझाता हूं, आप लोगों ने तो कर लिया होगा। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, ए है। अब कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं मानोगे तो कैसे मानोगे, तो मैं एन से कितना चला जाऊं, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, ये 5 हो गई। अगर मुझे 5 माननी है तो n से लेकर n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, 5 संख्याएं हो गई। अब उसके बाद की 5 और, उसके बाद की 5 और कहां तक चले जाएगा, n प्लस फाइव, n प्लस सिक्स, n प्लस सेवन, n प्लस एट और n प्लस नाइन। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैंने ये 10 संख्याएं आपको इस प्रकार दे दी, ठीक है। अब बोला गया है कि पहली 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वह ए है। हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो मेरा मन कर रहा है दोबारा बताने का, कि अगर इनका योग आपको ए दे रखा है तो कितना हो रहा है, 5n + 7 और 3 10 बराबर ए हो गया, बोलो। और उसके बाद की जो 5 पूर्णांक है उनका योग कितना है, बी है, तो उसके बाद की 5 पूर्णांक कितनी हो गई, 5n + 7, 6 और 5 11, 11 और 9 20, और 20 और क्या कहते हैं 15 35, 35 ये कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जाता है, बी माइनस ए कर दो,
कितना आ रहा है? 25 बटे 100 कर दो, बटे चार, 1/4 आंसर आ गया। तो जब आपको कुछ भी ना आए तो ट्राई किया करो, ना कि ये सोचा करो ट्रिक क्या लगाऊं, वो क्या लगाऊं, ये क्या लगाऊं, वो नहीं सोचना है आपको, बस अपना प्रोसेस फॉलो करना है। पेपर यही है, गणित क्या सिखाता है? गणित कभी भी ये नहीं कहता कि भाई तुमसे नहीं होगा। आप ज्यादा सोचने लग जाते हो कि मैं ये भी रट लूं, ये भी रट लूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर अपने आप आने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर एन क्या है? एन कुछ भी हो सकता है, उसकी टेंशन तुम्हें क्या लेनी है? जब मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी मानो, अब जब आप इसमें से ये घटाओगे तो ये तो कट गया, अंतर 25 आ गया, बस से क्या फर्क पड़ता है। चलिए देव, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना चाहोगे तो नहीं भी होगा, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, 35 कैसे आया, ये कैसे आया। अरे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं कैसे कर रहा हूं उसे देखो। लेकिन तुम तो अपनी मर्जी में मस्त हो, तुम तो सीधा सॉल्यूशन देखते हो, फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। सॉल्यूशन मत देखो पहले, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर निकल कर आ गया। क्या बोला जा रहा है? यदि अरविंद 13 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीदता है और सभी 13 रुपए में 12 वस्तुओं को बेचता है, 12 की दर से, तो यहां पर कह रहा हूं मैं कि 12 रुपए में 13 तो खरीद रहा है और बेचने का क्या हिसाब है? बोले सर 13 रुपए में 12 बेच रहा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, बराबर करना पड़ेगा, इसको 12 से गुणा करो, यानी कि 144 तो आपका खरीद मूल्य है, और इसको 13 से गुणा करो, 169 आपका विक्रय मूल्य है। तो 144 में खरीद रहे हो, 169 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो गया? 5, 25 का। 25 का प्रॉफिट है किसके रेस्पेक्ट में? हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होता है। सॉल्व कर लो, अब काटा पिट्टी चालू रखनी चाहिए तो हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप हल कर रहे हैं तो यहां पर आपके सामने ये 2500 बटे 144 आ गया। अगर मैं इसको 150 मानता हूं तो 100 बटे 6 17.36 के करीब आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करने में तकलीफ जरा सी भी हो रही है तो आप 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 4 8 32, सॉरी 4 3 12, 4 6 24, और 4 से काटा मैंने इसको 25 बार, तो ये आ गया 625 बटे 36। ठीक है, अब 36 के पारे में आप एक बार जा सकते हैं, उसके बाद 72 आ रहा है, यानी कि तो 36 तो बचेगा नहीं, 26 बचेगा, तो 7 बार जाएगा, तो लगभग 17 पॉइंट कुछ आ गया। अगला प्रश्न। हाँ दूसरा मेथड भी है, क्या सक्सेसिव फालतू में, मतलब कुछ भी सोचे होगे क्या यार, ऐसे मत करो भाई। हाँ सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, सर पेपर फोड़ दिया, सीडीएस का भी पेपर था। बारह भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की बात की जा रही है, तो उसमें आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का अंतर, जब एन बराबर आप 12 बोल ही रहे हो तो यार मैंने बताया और ना आए, ऐसी बात हो सकती है क्या? एक्सटर्नल एंगल अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या कहा था, 360 डिग्री बटे 12, तो यहां से कितना निकल कर आएगा, 30 डिग्री। ये लो, जब एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री आ गया तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, खुद बताइए आप क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण। सर दोनों का योग 180 होता है तो ये 150 होना चाहिए, और आपको क्या पूछा गया, इनका अंतर ही पूछा गया है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 120, बस वही आंसर है। तो यहां पॉइंट क्या निकल कर आता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो योग होगा वह 180 होता है, हमेशा प्रत्येक कोण के लिए। चलिए हाँ 150 कैसे आया बताओ, तो यार बिल्कुल ही, मतलब इसको किराए पे दे दिया है क्या? अरे भाई लिखा है, बोल रहा हूं ना, 30 डिग्री आपके सामने एक्सटर्नल एंगल है जो कि 12 का भाग देने पर आता है, इंटरनल एंगल क्या होगा, जब नीचे लिख दिया है कि दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये 30 है तो ये 150 नहीं लिख सकते हो क्या? वाकई में ये दिक्कत है, पेन चला लो यार।
एहसान करो उस पेपर पर जिस पेपर का फॉर्म आपने भरा था, एहसान करो थोड़ा सा। चलिए तो यहां पर हम कह सकते हैं 120 डिग्री हो जाएगा, और इनका भी डिफरेंस निकालना है। चलिए 1800 नहीं होगा, जो मर्जी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। करीब कह रहा है सर, जिसको समझ में नहीं आ रहा अब वो क्या करे, वो फटकार के सोए क्योंकि 2 साल मेहनत नहीं कर पाया, तो अब क्या कर लेगा। ए 10 दिन में किसी कार्य को करता है, ठीक है, 4 दिन के लिए इस शर्त पर कार्य करता है, फिर बी इसे 9 दिनों में पूरा करेगा। अच्छा तो ऐसी बात है कि क्या हो जा रहा है कि ए 10 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, अब वह 4 दिनों के लिए काम कर रहा है बस, कि भाई मैं सिर्फ 4 दिन काम करूंगा, ठीक है, फिर उसने शर्त ये लगाई कि बाकी जो बचा हुआ काम है वो 9 9 दिन में बी कर लेगा। तो सॉल्व कर दिया, 6A बराबर कितना आ गया, 9B आ गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 3 9, 3 2 6, टोटल वर्क निकाल के बताओ। सर ए की एफिशिएंसी यहां 3 रख दूं तो 30 मेरा टोटल वर्क हो गया। बोला गया है अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन लगेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 30 काम 6 दिन में निपट जाएगा सर, बढ़िया तरीके से। तो 6 डेज आपका राइट आंसर आने वाला है। सर 6 कैसे आया 10 में से अगर 4 चले जाएंगे तो 6 ही बचेगा, बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है। चलिए आइए, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बताया हुआ है कि यार घनों का योग बताना है आपको। अब घनों का योग 9 से 17 बताना है, तो कैसे निकालेंगे सर। आपको पता है हमेशा यहां पर जो एन क्यूब होता है, जो कि क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, यहां पर 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर हमेशा फर्स्ट एन का निकाला जाता है, यानी कि प्रथम एन का, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का। तो आप बताइए 9 से 17 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो आप 1 से 17 निकालोगे, माइनस कर दोगे 1 से 8, तो 1 से 17 निकालोगे और 1 से 8 माइनस कर दोगे, तभी तो 9 से 17 बचेगा। ये तो कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है सबको। ये 1 से 17 का योग निकालूंगा और 1 से 8 का योग घटा दूंगा, तभी बचेगा 9 से 17, अन्यथा बचेगा ही नहीं। यस सर, तो बस लगा दो। तो 17 × 18/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 9/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है सर, 17 × 9 का होल स्क्वायर माइनस 9 × 36 का होल स्क्वायर, तो 36 का तो 1296 आ गया, और 9 17 × 9 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 153 है ना, 153 का होल स्क्वायर करना है। तो 153 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 150 आप बेस ले सकते हो या फिर आप वैसे भी देख सकते हो डबल यूनिट डिजिट से, तो कितना हो जाएगा वैसे करने पर, 23409 हो जाएगा, 23409 हो जाएगा, माइनस 1296, माइनस 1296, ठीक है। तो अब यहां सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 1296 अगर हम करते हैं तो 22113 आपका राइट आंसर आ गया, बस हो गया काम, तो इजीली आप कर सकते थे। अब बात आती है सर स्क्वायर कैसे किया, हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको तरीका पहले भी बता चुका हूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सीख चुके हैं, कि जैसे कि मान लो 101 का होल स्क्वायर करना है, तो यहां आप एक बार देखो कि 101 में एक ज्यादा है, ठीक है, तो आपका जो एक ज्यादा है और यहां एक कम है,
दोनों ही चीजें आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, कुल मिलाकर आपको एक चीज देखनी है कि जितना ज्यादा है उसमें आप एक जोड़ दिया आपने, यानी कि ये कितना बन गया 102 और एक का स्क्वायर 01, तो 10201। अगर मैं 102 के स्क्वायर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, दो ज्यादा है तो आप इसमें दो जोड़ दो, 104, दो का स्क्वायर 04, 103 है, जल्दी जल्दी बताओ, 106, 09, 104 है, 108, 16, 108, 16, क्योंकि चार जोड़ेगा और चार का स्क्वायर 16 आएगा, 105 का, 105 का, 110, 25, 117 का, 134, 17 का 289 होता है तो 2 हासिल आ गया, तो 136, 89, 119 का, 138, 19 जोड़ दिया और 19 का कितना होता है 361, तो 3 हासिल आ गया, तो 141, 61, 122 का, 22 जोड़ दिया, 144, 22 का कितना होता है 484, 4 उधार दे दिया, कैरी चला गया 400, 148, 84। इसी तरह से 153 कितना जोड़ दिया, 53 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 53 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 206 हो जाएगा, 206, और 53 का स्क्वायर कितना होता है 50 का 2500, 51 का 2601, 50 का कितना होता है 2800, 53 का होता है 2809, तो केवल आपको 28 जोड़ना है यहां पर, तो इसमें अगर 28 जोड़ोगे तो 206 में 28 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 234,09, यही आ रहा था 234,09, तो ऐसे करना होता है। अब ये सर 1 से 9 क्यों नहीं, वो छोड़ो, तुम तो आगे परे हो अभिषेक, तुम तो वैसे भी आउट ऑफ द कोर्स हो, हालांकि जो चीज है आपके सामने है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे क्यों करना, जब हम 100 का बेस लेके सीख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, एक पूर्णांक W को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। अब 11 W माइनस 10 को 12 से विभाजित करने पर क्या करें, तो जो ऑपरेशन आपने W के साथ किया है ना वही उसके शेषफल के साथ कर दो। तो सर शेषफल के साथ क्या करें, 44 में से 10 गया तो 34, अब 34 बटे 12 करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 12 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 12 दूनी 24 प्लस का 10, कैसी रही बताओ, मजा आ रहा है। तो जो चीज आप उस W के साथ कर रहे हो ना वो सेम चीज आप उसके साथ कर दीजिए, किसके साथ, जो भी इसका रिमाइंडर होता है उसके साथ आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा समझाता हूं क्या किया है, W को डिवाइड 12 से डिवाइड करने पर आपका 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 11 W माइनस 10 करने पर क्या होगा, तो कहां से लाओगे आप W, तो जो रिमाइंडर है वही सारा मैटर करेगा क्योंकि 12 से ही डिवाइड आप कर रहे हो, तो सेम ही चीज है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर को पकड़ लो, तो 11 गुणा कर दो रिमाइंडर का 44, उसमें से घटा दो 10, 34 बटे 12 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 34 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, शेषफल आया 10। बस कुछ मान भी सकते हो, जैसे कि आपकी बड़ी इच्छा होती है सर मैं तो कुछ मान के करूंगा, तो मैंने कहा क्या मानेगा बता, तो मैंने कहा W को मैं 4 ही मानूंगा, क्यों, क्योंकि 4 बटे 12 करने पर भी तो रिमाइंडर 4 आता है, बोले यार बात तो सही है, तो 4 × 44 माइनस 10 बटे 12 वही आ गया। नहीं अब तुम 16 मानो, तुम 50 मानो, तुम 150 मानो, 500 मानो, उससे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं 4 मानो, क्यों खामोखा की इतनी बड़ी कैलकुलेशन में फंसना तुम लोगों को, ठीक है, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं कि तुम 16 मानो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करके बताइए। सोलह ले तो करो सॉल्व, वही आएगा।
अंकित और महेश की आपको आय दे रखी है, तो महेश और रमेश की आय दे रखी है। यदि अंकित की आय रमेश की आय से 3800 रुपये अधिक है तो महेश की आय बताओ। तो वही सबसे बड़ी बात यही है, अंकित महेश का जो अनुपात दे रखा है वो 5:3 है। महेश और रमेश का जो अनुपात दे रखा है वो 5:2 है। बराबर किसको करेंगे? महेश को। तो यहां 5 का गुणा करना है, यहां पर 3 का गुणा करना है। बराबर कर दिया, अब मैं सेटिस्फाइड हूं। अब बोला जा रहा है अंकित की आय रमेश की आय से 3800 रुपये अधिक है। तो अंकित का रेशो 25 है और रमेश का रेशो कितना है? 6। तो कितना ज्यादा है अंकित? 19। वही 3800 के बराबर है। 1:200, 200। तो महेश की आय कितनी है? 15:1, तो 15 × 2 = 3000। ऑप्शन नंबर सी। फोड़ रहे हो? मजा आ रहा है? आएगा भी, आप पढ़ते रहिए, बस पेपर ऐसे ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है नंबर सिस्टम कहां से पढ़ू? जहां पढ़ाया है वहां से पढ़ो, जहां मैंने पढ़ाया है वहां से पढ़ो। अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हो तो फाउंडेशन कोर्स से पढ़ो, अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। चलिए नेक्स्ट। देखो आप जो बहाना बनाते हो, भूल जाता हूं सर, ये इंडिया की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेशन में बैठे हो आप। रेगुलर बने रहो, अपना मामला सेट हो जाएगा। एक सौ दस मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक आदमी अपने कितने समय में गुजरेगा? तो ये बताओ, विपरीत दिशा अगर चल रही है तो सबसे बड़ी तीन ही चीज होती है इसमें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। समय तुम्हें निकालना है। दूरी कितनी हो जाएगी? 110 मीटर ट्रेन की है, ठीक है, आदमी की कुछ होता नहीं है। विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा ये बता दो बस। विपरीत दिशा से क्या तात्पर्य है? चाल सर जुड़ जाती है, बस सेकंड में बोला गया है तो इसको 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। समय निकाल देना है। तो 11 से काटेंगे 6 बार, 3 6, तो टी बराबर हो गया 6 सेकंड का समय लगेगा। 6 सेकंड विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 6 सेकंड। एक बच्चा कह रहा है 15 फरवरी को एग्जाम में क्या पढ़ना है? सिलेबस देखो खोल के, नोटिफिकेशन जो आया था ना 2 साल पहले, मिल जाएगा वो, है ना? देखो मैंने वैसे कल परसों भी एक वीडियो बनाया, उसमें देख लेना सिलेबस क्या है एक बार। तो पूरा सिलेबस पढ़ जाओ एक बार, तो आप उससे जल्दी हो जाएगा वैसे कवर। हाँ तो 4-5 लाइन में लिख रखा है पूरा सिलेबस मैंने, वो वहां पे कल एक इवेंट बनाया था ना एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला, वहां से पढ़ लेना। एक बच्चा कह रहा था ये लोग मजे लेते हैं, मजे लेते नहीं, मजे देते हैं। दस और 25 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो 10 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 23 है, बस। तो 7 और 3 10 और 4 14। अरे 19 कहाँ गई? 19 को ऐसे छोड़ोगे, बाद में जोड़ लूंगा। तो 2 3 4 और 2 6 और 19 भी जोड़ देता हूं, तो 9 और 4 13 83। तो 83 है अपॉन 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो। तो 83 को आप कैसे लिखोगे? 10/2, यानी कि
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16.6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। करो 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 करो, बढ़िया क्वेश्चन है। राकेश शर्मा कह रहे हैं सर कैच द मैच से 8 क्वेश्चन मिले आज सीडीएस में। अब मतलब ये ढूंढने मत जाया करो कि भाई कैच द मैच से कितने मिले, है ना, पेपर पूरा करके आना है ना। देखिए, एक बैंक प्रति अर्धवर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, रोनित एक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3200 रुपये जमा कराता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कई दफा ऐसे क्वेश्चन के कंसेप्ट को हम डिस्कस भी कर चुके हैं आपके साथ में, और मैं यहां भी आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज शांति बनाए रखें क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि जो आपकी रेट है वो क्या होगी, बताओ। क्या रेट आधी होगी क्या इस केस में? क्या रेट को आधा करोगे? क्या नहीं करोगे? कारण पहले से ही अर्धवर्ष में दे रखी है, पहले से ही जो गिवन है वो अर्धवार्षिक रेट है। गॉट इट? ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आधा नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि जो पहले से जो 5% दे रखी है वो ऑलरेडी अर्धवार्षिक रेट है। बहुत अच्छी बात है सर। तो बात यही है कि 5% रेट है तो इसको 1/20 लिख सकते हो। तो 1/20 अगर लिख सकते हो तो 20 अगर प्रिंसिपल है तो 21 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। यहां तक आप किसी को आपत्ति है क्या, ये बताओ? कोई आपत्ति नहीं है। अब जरा समझना, वो क्या करता है, प्रत्येक एक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई में क्या संबंध हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से? दोनों में 6 महीने का गैप है, फिक्स 6 महीने का गैप है। यानी कि 3200 रुपए पहले जो 1 जनवरी को जमा कराए होंगे तो वो साल के एंड में कितनी बार आपको ब्याज दे चुके होंगे? 3200 रुपए जो 1 जनवरी को जमा कराए हैं वो आपको 2 बार ब्याज दे चुके होंगे, और जुलाई वाले 1 बार देगा, जुलाई वाला 1 बार देगा। तो पहले 20 से 21, 20 से 21 2 बार लगा देता हूं, यानी कि यहां आ रहा है 400 और यहां आ रहा है 441। तो ये 400 किसके बराबर है? वही प्रिंसिपल 3200 के बराबर। तो 1 बराबर आपका कितना निकल कर आ गया? 800। तो 41 रेशो जो ब्याज है, सॉरी, 1 बराबर कितना निकल कर आ गया? 8। तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो ये हो गया सर 328। तो ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं? अब क्या एक ब्याज 20 से 21 वाला नहीं बनेगा क्या? वो भी तो बनेगा। जहां 20 बराबर आपका 3200 होगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 160। 160 रुपए यहां से बनेंगे, तो 160 और जोड़ दो, तो 328 में 160 और जोड़ने पर तो 8, 8 और 4, 488। कॉमन सेंस क्लियर हुआ? जो पैसा जनवरी में लगाया उस पर 2 साल का ब्याज पाया, और जो पैसा जुलाई में लगाया उस पर 1 साल का ब्याज पाया। और ब्याज क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया 1 रेशो। यहां भी 41 रेशो। भाई 41 रेशो ही तो होगा, 400 प्रिंसिपल है और 441 ये है, तो 41 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू 8। खत्म काम। चलिए अब 10 तरीके हैं, कम से कम 10 तरीके हैं, बताओ। तो 10 तो नहीं बता सकते, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है क्योंकि मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूं इसमें। बताओ भाई क्या आंसर आएगा?
21 आम के पेड़ हैं, 42 सेब के पेड़ हैं, 56 नारंगी के पेड़ हैं, लगाए जाने चाहिए जैसे कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, तो 21 मैंगो, 42 एप्पल और 56 ऑरेंज। तो आपको क्या करना होगा, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा जिससे पहले तो ये पता लगे कि हर पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, मैक्सिमम कितने पेड़ होंगे। तो सर 7, 7, 7 होंगे, क्योंकि इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। तो 7 अगर मैक्सिमम पेड़ हो सकते हैं, तो 21 आम के पेड़ में से कितने पेड़ निकल जाएंगे, एक पंक्ति, 3 पंक्ति निकल जाएंगी सर। इसमें कितनी निकल जाएंगी, 6 निकल जाएंगी सर, और इसमें 8, तो 8 और 6 14 और 3 17 टोटल आपकी रोज बन जाएंगी। 17 रोज बन जाने वाली हैं, 17 आपके इस तरह की पंक्तियां आने वाली हैं। तो इस तरह का ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यही शानदार चीजें हैं जो आप सीखेंगे, करेंगे और आंसर भी आएगा। चलिए, कैसे पता चला SCF है, उसके लिए चैप्टर पढ़ना पड़ता है। यही सब क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पूछो कौन सा चैप्टर, पता नहीं लग जाए, तुम छुप के रहा करो। तुम लोग जो ये पूछते हैं कौन सा चैप्टर, रेलवे वाले किसने पकड़ के ले जाएंगे तुम्हें, जबरदस्ती नौकरी दे देंगे सरकारी। हाँ आप जैसे बंदों की तलाश में है सरकार। क्या करें भाई, एक्स के वास्तविक मान के लिए इस द्विघात समीकरण की मैक्सिमम वैल्यू। आपको कैसे पता चला मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, आपको कैसे पता चला मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि ए आपका लेस देन जीरो है। तो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, 4ac - b² / 4a। अब कैसे आया, चैप्टर पढ़ना पड़ता है, और जिन्होंने पढ़ रखा है -1 चिन्ह सहित c4 -b² 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4a - 1। तो 4 × 16 -36 और माइनस का 16 और माइनस का 4, तो सब माइनस माइनस चला गया, 4 से काटेंगे 9 और 4 = 13 आंसर आ जाएगा। 13 बिली और आवाई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंजली, गुड नेम, बहुत अच्छा नाम है सर। गुड इवनिंग, आज मेरा एग्जाम था और सारे यहीं से आए थे, बहुत 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 अच्छे टीचर हैं, आपके पढ़ने में जादू है, कैच द मैथ के सारे क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। सर 13 कैसे होगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये बस हो जाएगा। एक वस्तु की परिवहन लागत वस्तु की कीमत का 20% है, वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई और परिवहन लागत में 50% की कमी होती है। यदि पहले वस्तु को 20% के लाभ पर इतने में बेचा जाता था, तो लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, एक वस्तु की परिवहन लागत वस्तु की
परिवहन लागत वस्तु की लागत का 20% है। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरा जो वस्तु है वो 100 रुपए का पड़ा है, तो मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे नहीं ना तो आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है लागत का 20%, यानी कि 20 रुपया। अगर 100 में अगर मेरी वस्तु है तो लागत का 20% आपका ये है परिवहन चार्ज। अब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु का मूल्य अब कितना पड़ जाए? 130। कैसे सर? अरे भाई 100 थी ना पहले, अब 30% की वृद्धि हो जाए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, और आप भी देखिए कि क्वेश्चन पढ़ने में कितना दम है। आइए, और परिवहन लागत में 50% की कमी हो जाए, यानी कि पहले अगर परिवहन लागत 20 थी तो अब 10 हो जाए ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है गुरुजी, तो पहले वस्तु को 20% के लाभ पर इतने में बेचा गया था, तो लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब आइए देखते हैं। अब यहां तक तो सेट है सबका मामला, यहां तक सेट है सबको। चलो सर, अब आप मुझे बताओ कि अगर ये आपका टोटल क्रय मूल्य है कितना? 120, और उस पर कितना? 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120% और, यही तो 5760 के बराबर होगा। हाँ या ना बोलते जाओ, यही तो 5760 के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई यही तो सेलिंग प्राइस है कि पहले वस्तु को, तो पहले वस्तु की कीमत ये 20% का लाभ, यानी कि 120/100, यही तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 12 12 144 से काटोगे तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है काटा पीटी करने पर? 12 12 12 चौके 48, बचे 9, 12 8 96, और 12 चौके 48 40, 1 बराबर आ गया 40 मान लो। तो ये अगर 40 आ गया तो आपसे क्या बोला जा रहा है? ले भाई, ये अगर 140 है तो बोला जा रहा है कि गुरुजी आपका जो लाभ प्रतिशत वही बना के रखना है आपको, यानी कि कितना? 120%। तो यानी कि 168:1, तो 168 का 40 से गुणा कर दो बस। क्या बात है सर, हो गया। और क्या भाई, 1:40 आया, लाभ प्रतिशत वही 20% होना चाहिए, इतने में बेचोगे, अपना काम हो गया। 120 कैसे आया सर? 20% का लाभ है ना, जब लाभ होता है तो 120% पर ही तो बेचोगे, करते हो नहीं? चलो, ट्रांसपोर्ट चार्ज दे रखा है ना उसने, कॉसेक ए बराबर आपका 2 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 1/sin A बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल कर आएगी 30। इसकी वैल्यू 30 रखोगे तो नीचे आए, ऊपर आएगा √3, 1/2 तो √3 प्लस 1/1 + √3। ओके, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 + √3। रैशनलाइज करूंगा, √3 प्लस 1 + 2 + √3 ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का गुणा करने पर, नीचे तो आ गया 1, तो √3 से √3 चला गया, केवल 2 बचेगा, फोड़ दिया भाई। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस पर ध्यान दिया करें, जो बीत गया सो बात गई, इस चक्कर में आप आगे की क्वेश्चन खराब ना करें भाई साहब। जब 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, इतनी इतनी, तो 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो वही शेषफल रह जाता है, तो आप बताइए ऐसी 3 अंकों की संख्या का योग क्या होगा? तो आप बताएं क्या कर सकते हैं इसमें, हम कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे यहां पर,
बोले गुरु जी, दो अंकों की ऐसी संख्या है कि समान शेषफल रह जाए। तो एससीएफ का खेल है। तो एससीएफ में अगर कोई घटाने को नहीं दे, बता अब आपको बता रखा है कि शेषफल समान रह जाए, क्या शेषफल दे रखा है? क्या क्या शेषफल दे रखा है क्या इसने? नहीं दे रखा, तो शेषफल दे नहीं रखा। लेकिन एससीएफ को क्या आदत होती है, मैं तो घटूंगा, है ना, मैं तो घटूंगा। तो अब क्या करेगा फिर, जब कुछ नहीं है तो आपस में घटेगा, आपस में ही। तो आपस में जब घटेगा तो आपस में जो डिफरेंस निकल कर आने वाला है वो कितना निकल कर आने वाला है, बोलो बोलो बोलो। आपस में जो घटेगा तो डिफरेंस कितना निकल कर आने वाला है, 3629। अब क्या ये एससीएफ है? क्या एससीएफ हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये इवन नंबर आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके टुकड़े जो होंगे वो एससीएफ होंगे। टुकड़े क्या हो सकते हैं? अब टुकड़े करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, मैं मानता हूं, लेकिन यही आपका मतलब सबसे बड़ा जुगाड़ होना चाहिए। तो देखो अब मैं आपको सिखाऊं कैसे होता है, मैं सिखा दूं अगर आपको तकलीफ ना हो तो, मैं सिखाना चाहता हूं। यार इसके टुकड़े कैसे निकालूं गुरु जी? अब देखिए, क्या ये संख्या किसी भी सम संख्या से डिवाइड होगी? क्या नहीं होगी। 5 से होगी? क्या नहीं होगी। 3 से होगी? क्या 6 और 3 9 और 2 11 और 9 20 नहीं होगी। 9 से होगी? नहीं होगी। अब बचा क्या, 7। 7 से होगी? क्या 7 5 35 बचा 1, 7 1 7 नहीं हो रही। अब 11, 6 और 9 और 6 15 और 5 नहीं हो रही। फिर 13, 13 1 13, 13 2 26 बचे 10, और 13 7 91 बचे 11 नहीं हो रही। 17, 17 2 34 बचे 2, 17 1 17 5 नहीं हो रहा। 19, 19 से जा रहा है। सर इतना करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकते? कोई तुम नवाब हो, क्यों नहीं करोगे भाई? नंबर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, समझना भी ऐसे है। अब आपको उसमें 3 अंकों की संख्या लेनी है, तो 3 अंकों की संख्या ये है 191। तो बस इसका ही आपको अंकों का योग करना है, 11। ऐसे निकाला जाता है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो आपने निकाल दी। नेक्स्ट, सर कैसे 19 कैसे? अरे वही तो बता रहा था अभी, जो सोचने पर कर रहा था ना कि 9 से होगा, आप कह रहे नहीं होगा, तो हम 19 वहीं से निकाला हमने। ऐसा कह रहा है, एक एक बच्चा कह रहा है सर टाइम ज्यादा लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में। लगेगा तो सही यार, पेपर में भी तो आपको काफी टाइम दिया गया है ना, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ऐसा। तो बोलो क्या जा रहा है सर? 18 और 8 का मध्य अनुपात ए है, तो मिड प्रपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ए भी होता है, यानी कि 18 * 8 144, यानी कि ए बराबर आ गया 12। 3 और 6 का तीसरा अनुपात बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर / 3, तो ये हो जाएगा 12। तो ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा, 12, क्योंकि तो खुद 12 * 12 का 144 का मिड प्रपोर्शन निकालना है, तो वो भी 12 हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? ऐसे पेपर फोड़िएगा आप, अगला क्वेश्चन करिए, कम ऑन। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल दे रखा है 5450। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, और तो बस वृत्त का व्यास दे रखा है, तो 35 आपका कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस 35 हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 3850। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3850। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 0 0 कितना बच रहा है, अरे कितना बच रहा है, 1600। तो ये वर्ग का एरिया हो गया, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 400। तो परिधि कितनी हो जाएगी, 1600। सेम ही आ रही है,
अरे 40 होगा भाई, क्या कर रहे हो। तो 40 होगा, और परिधि कितनी हो जाएगी, 160। परिधि हो जाएगी 160, ठीक है। और इसका इसका वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस 220 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 160 प्लस 220, 380। मजा आ गया ना, चार्ट का मजा है जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 3850 कहाँ से आ गया, ये यही तो होता है। देखो अब फर्क कितना पड़ गया पता है, अगर कोई नॉर्मल बच्चा करे ना तो कितना टाइम लगे, मैं बताता हूँ। देखो कैसे लगेगा टाइम, जब आपकी रेडियस आपकी 35 निकलेगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर निकालोगे। तो पाई आर स्क्वायर ने एरिया निकालोगे वृत्त का, तो कितना हो जाएगा, 22/7। आर की वैल्यू हो जाएगी 35 × 35, यहाँ सॉल्व करोगे 7 × 5 = 22 × 5 = 110, तो 3850। सरकमफेरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, तो वही आर की वैल्यू 35 रखोगे तो यहां से निकल कर आएगा 220, क्योंकि हमें जरूरत है परिधि से। अब इसमें से आप घटाओगे 3850, तो वर्ग का एरिया ए स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, तो ये 1600 के बराबर हो गया, तो भुजा निकल कर आ गई 40। तो भुजा निकल कर आ गई, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 160। 40 का × 4 करने पर 160। अब 160 ये परिमाप है और 220 ये है, दोनों को जोड़ने पर 380 आएगा। नेक्स्ट, चलो चलिए, छह पुरुष हैं भैया, 8 लड़के हैं 10 दिनों में, और 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़कों द्वारा एक ही प्रकार के काम को करने में लगा समय। 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन, और 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन। 60 में से 52 गया तो 8 m, 80 में से 16 W, 16 B, तो m/B का बराबर कितना होता है, 2:1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 8 = 20 × 10, 200। क्या बोला जा रहा है, तो 15 पुरुष यानी कि 15 × 2 = 30 और 20 लड़के यानी कि 50 का भाग दे दो, 4। इतनी जल्दी हो जाता है ना, कारण क्या है जल्दी होने का, माइंड में कंसेप्ट का सेट होना। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो झकमराकर चीज आपको आएगी, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर 50 कैसे आया, अरे 15 पुरुष हैं तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 15 पुरुष की 30 और 20 लड़के हैं और हर लड़की की एफिशिएंसी 1 है, तो 20, तो 50 आ गया, ठीक है। चलिए ये कह रहा है बॉय मैन वुमेन रहेगा तो तब तब करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे सर, ये कॉट स्क्वायर 62 है लेकिन मैं इसको लिखना चाहता हूं। बोले क्या लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी बता दो। बोले मेरी मेरी रजा ये है कि मैं इसको लिखना चाहता हूं 10² 28 −sec² 28। बात बन गई ना, बन तो गई गुरुजी। बाकी बाकी करो सॉल्व, इसकी वैल्यू आपको पता है 2² 4 और इसकी वैल्यू आपको पता है 3 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा −1, तो 7 में से 1 गया तो 6। अब गलती कहां करता है बच्चा, सर 10² - sec² 1 होता होगा। अरे भाई 1 + 10² = sec² होता है, तो sec² - 10² = 1 होता है, तो 10² - sec² = -1 होगा।
यही तो गलती करवाना चाहता हूं, तुम कर गए। बस यही होता है, देखो मैं जब चाहूं तुमसे गलती करवा सकता हूं, कारण मुझे पता है। चलिए अब देखिए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, और ये बात की जा रही है पुजारा द्वारा बनाए गए रनों की, चेतेश्वर पुजारा, जो अभी इस टाइम हमारी इंडियन टीम के कल की मैच के हो सकते हैं कि हीरो साबित हो। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, इंग्लैंड का 20%, साउथ अफ्रीका में 24%, ऑस्ट्रेलिया का 32, न्यूजीलैंड का 16 और बांग्लादेश का 8। पहला क्वेश्चन, कल आ रहा है विराट की सेंचुरी है ना। देखिए, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए रन उसके द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रनों से कितना प्रतिशत अधिक हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में 24% बनाए हैं और बांग्लादेश में 8, तो कितने ज्यादा हैं? बोले गुरु जी 16 ज्यादा हैं। किसके रेस्पेक्ट में? बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में। तो आंसर कितना आ गया? 200%। नेक्स्ट, पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रन 1875 हैं, तो पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए रनों का अंतर, तो न्यूजीलैंड 16 और दक्षिण अफ्रीका 24, तो 8% निकालना है, तो 1875 का 8% निकालिए। तो सर कैसे निकालूं? बोले निकालना तो पड़ेगा, तो 8 5 40, 4 आठू सातू 56 और 4 60, 6 18 8 144 और 6 150, तो 150 आपका राइट आंसर आ गया। तो डायरेक्ट यहां पर अंतर निकाल लिया करो, और डायरेक्ट अंतर निकालना आंसर हो जाता है बस। दिए गए वृत्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए रन का केंद्रीय कोण कितना होगा बताओ? तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? 32%, तो 32/100 × 360, तो 0 से 0 इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, तो 0.2 वाला आंसर है, केवल एक ही है। क्या बात है गुरु जी, ये हुई ना बात। तो ये तरीके बहुत प्यारे हैं और मतलब मजा आ जाता है गणित करके। चलिए, जैसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर तत्पर। CHSL और CGL का कंप्लीट डिटेल कोर्स मेरा चल रहा है, ना केवल आप मेरे फाउंडेशन कोर्स से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, इसके अलावा इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कंप्लीट डिटेल अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे MTS, रेलवे, CBT2, सबके लिए। मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, सब कुछ आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है बिना किसी दिक्कत के। साहिल 10 आपको कोड लगाना है बिना किसी गैप के, जैसे ही लगाओगे अप्लाई कर देना, बस बढ़िया पढ़ाई करवाएंगे। फाउंडेशन कोर्स अगर आपने लगा डाला तो आपके सम कंसेप्ट में क्लैरिटी आ ही जाएगी, और आप CET के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे और दुनिया से पहले हो जाएंगे। सो 12 महीने का ज्वाइन करो, पेपर को फोड़ कर चलो, और साहिल 10 कोड लगाकर अन अकेडमी पर जुड़ो। ये आपका सबसे खास महीना है जिसमें जुड़ सकते हो अधिकतम डिस्काउंट के साथ में। SSC एग्जाम पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और उम्मीद करूंगा कि जिनका भी कल पेपर है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साहिल 10 कोड लगा कर लो, और लोगों को भी कह दो। चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। मजा आ गया और बढ़िया पेपर जाएगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर लगातार पढ़ रहे हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। अभी मिलता हूँ घर दो।